15-16 हज़ार रुपये में एक 5G गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए। बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया स्पीकर, बढ़िया बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग, बढ़िया कैमरा। रुको जरा, बट सब कुछ बढ़िया नहीं मिल सकता, तो चलो देखते हैं। तो ये जो बैक कवर है ना, डिजाइन थोड़ा सा बेटर लगा मुझे। बैक ट्रांसपेरेंट है, साइड वाला जो पार्ट है वो सेमी ट्रांसपेरेंट फ्रॉस्टेड है, बट क्वालिटी थोड़ी सी हल्की लगी मुझे। ये है 33 वॉट का डार्ट चार्ज और ये है अपना स्मार्टफोन। वाह, डिजाइन मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। बट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको बता दूं, फोन सेटअप करने के बाद मुझे कुछ ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल्ड एप्स दिखे जिन्हें हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो 128 GB वेरिएंट वाले स्मार्टफोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स अनइंस्टॉल करने के बाद 19.2 GB स्टोरेज यूज हुआ है। गाइस, ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट में मिल जाएगा और कलर ऑप्शन की बात करूं तो मिलेगा 2, हाइपर ब्लू, हाइपर ब्लैक। फोन सेटअप करने के बाद मैंने अपने सारे फेवरेट एप्स इंस्टॉल कर लिया है। जीमेल अकाउंट, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक वगैरह में साइन इन कर लिया है एंड 24 घंटे से ज्यादा ये फोन यूज कर चुका हूं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फोन मुझे कैसा लगा। मैं पूरे रिव्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फोन में कौन कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगी, ओके, यानी गुड पार्ट के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर जो चीजें मुझे ओके लगा और फिर मैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। नाजो 50 प्रो 5G का जो डिजाइन है ना, बैक में आपको कर्व देखने को मिलेगा, लेकिन नाजो 50 5G बिल्कुल फ्लैट डिजाइन ऑफर करता है। मैट फिनिश्ड मिनिमलिस्ट डिजाइन, ग्रेडियंट कैवलर काइंड ऑफ टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। हल्का शाइन करता है, मैट फिनिश्ड है, लेकिन आपको फिर भी स्मजेस, उंगलियों के निशान दिख जाएंगे। उनका वेट 190 ग्राम्स एंड थिकनेस भी कम है 8.1 mm, लेकिन आपको हाथ में लेने के बाद थोड़ा सा हेवी, थोड़ा सा बल्की फील होगा फ्लैट डिजाइन की वजह से। फोन में ग्रिप आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा एंड फोन को यूज करना एक हाथ से इजी नहीं रहेगा, आपको दूसरा हाथ बिजी करना पड़ेगा। देखो, 6.6 इंचेस का फोन है, बॉक्सी डिजाइन है, तो आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस होने वाला है, इसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, फोन का जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो आपको पसंद आएगा, फोन का डिजाइन आपको पसंद आएगा। फोन में हेडफोन जैक मिल जाएगा एंड सिम स्लॉट है हाइब्रिड, लेकिन स्पीकर मिलेगा आपको स्टीरियो, डुअल स्पीकर मिलेगा। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा स्पीकर मिला है जो एक्चुअली बहुत लाउड है, थैंक्स टू अल्ट्रा वॉल्यूम मोड 200% तक वॉल्यूम बूस्ट हो सकता है। हेडफोन की क्वालिटी भी मैंने चेक की है, म्यूजिक सुना है कुछ, क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, बेस वगैरह बहुत मस्त लगा मुझे, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे फोन की पसंद आई, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 बेस्ट रियल मी आई 3.0 मिल जाएगा एंड जितना भी मैंने फोन यूज़ किया अभी तक, फोन मुझे फास्ट एंड स्मूथ लगा। डे टू डे परफॉर्मेंस फोन का सही है, नो इश्यूज़। वैसे एक आध छोटे इश्यूज़ मुझे दिखे जिसके बारे में मैं वीडियो के बैड पार्ट वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा। फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ट्राई करके देखा। फोन में 4G प्लस यानी करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड नेटवर्क से रिलेटेड कोई इश्यू मुझे अभी तक नहीं दिखा, कॉल की क्वालिटी भी ओके है। अब गाइस, हम फोन के उन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हर एक बंदे, हर एक यूजर के लिए मैटर करता है एंड फॉर्चुनेटली वो चारों चीजें फोन में अच्छी लगी मुझे। गाइस, Realme Narzo 50 5G को पावर दिया है MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर ने, जो Poco M4 Pro 5G में भी आपको देखने को मिलेगा। 6 नैनोमीटर पे बेस्ड ये प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट है एंड एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है इस सेगमेंट के हिसाब से। डे टू डे परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग के लिए भी ये एक अच्छा फोन है। DJI ग्राफिक सेटिंग्स की अगर बात करूं तो स्मूथ के साथ, अल्ट्रा बैलेंस्ड के साथ, अल्ट्रा एंड HD के साथ हाई सेटिंग्स पे आप गेम खेल सकते हो। हाँ, HD हाई सेटिंग्स पे गेम प्ले इतना स्मूथ नहीं रहता, बट स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप मस्त गेम खेल सकते हो। तो और चीजें मुझे फोन में इनिशियली काफी इंप्रेसिव लगा, एक तो बैटरी लाइफ 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी एंड एक्सेलेंट बैटरी लाइफ मुझे अभी तक देखने को मिला। फुल चार्ज करने के बाद 24 घंटे के बाद 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है। इन 9 घंटों में BGMI मैंने खेला 1 घंटा 15 मिनट के आसपास, यूट्यूब 1.5 घंटे के आसपास, इंस्टा, ब्राउजिंग, कैमरा, कुछ फोन कॉल्स और गेम के बाद मैंने एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट रन किया, फिर Geekbench और फिर 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट इन 9 घंटों में। अच्छी बात यह कि फोन बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो यह एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट का स्कोर 380,000 के आसपास, यह है Geekbench 5 का स्कोर। और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की अगर बात करूं तो 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करने के बाद परफॉर्मेंस देखा 84%। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो 33 वाट के डार्ट चार्ज से 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में मैंने 0-100% फुल चार्ज नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 25 मिनट में आपका डिवाइस फुल चार्ज हो सकता है। इनके ये है डिवाइस का रीड एंड राइट स्पीड जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। नेक्स्ट चीज जो मुझे फोन में अच्छी लगी, जिसने मुझे एक्चुअली थोड़ा सा सरप्राइज किया, वो है इसका कैमरा परफॉर्मेंस। 48 मेगापिक्सल का आपको
डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और सेल्फी शूटर 8 मेगापिक्सल। मैंने 6GB 128GB वेरिएंट खरीदा, यानी 18,000 रुपये पे किया है, और 18,000 रुपये के हिसाब से मुझे सेल्फी कैमरा बहुत पुअर लगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताऊं 48 मेगापिक्सल के कैमरे के बारे में। नाजो 55G के 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे से आप एक्चुअली अच्छे शॉट्स ले सकते हो, डिटेलिंग अच्छा कैप्चर कर लेता है। कलर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो कलर्स थोड़े से बूस्टेड, थोड़े से सैचुरेटेड लगे, लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं। बहुत सारे यूजर्स को ऐसे कलर्स एक्चुअली अच्छे लगते हैं। जिस टाइम मैंने ये शॉट्स लिए ना, लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से शेडो वगैरह को इसने अच्छे से मेंटेन किया है, एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी ठीक लग रहा है। इनडोर में थोड़े से लो लाइट कंडीशन में आपको हल्का नॉइज देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्राइस वाले दूसरे कैमरे से अगर आप कंपेयर करो, 48 मेगापिक्सल वाले दूसरे कैमरे से कंपेयर करो, तो आपको नाजो 50 का कैमरा पसंद आएगा। अब इस बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो मुझे फोन में ओके ओके लगा, यानी बहुत अच्छा भी नहीं लगा और मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगा। ये है 18,000 रुपए के स्मार्टफोन से लिया गया कुछ शॉट्स 8 मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरा से। स्किन टोन सही है, कलर रिप्रोडक्शन भी ओके है, एज डिटेक्शन ब्लर इफेक्ट भी चल जाएगा, कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन डिटेलिंग की अगर बात करूँ, थोड़ा सा जूम करने के बाद आपको पता चल जाएगा बहुत पुअर लग रहा है। ऐसा सेल्फी उन लोगों को जिन्हें सिर्फ चिकना चिकना गोरा गोरा दिखना पसंद है, उन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जिनको थोड़ा सा डिटेलिंग चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला सेल्फी चाहिए, उनको ये सेल्फीज पसंद नहीं आएगा। डिस्प्ले 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले मिल जाएगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, एंड टच सैम्पलिंग रेट 180Hz। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.7%। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप 2K वीडियो देख पाओगे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, एंड व्यूइंग एंगल भी फोन का सही है। पीक ब्राइटनेस है 600 nits, यानी बहुत ब्राइट सनलाइट के नीचे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। ऐसे यूजर्स जिनका फोकस परफॉर्मेंस पे रहता है, उनका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे यूजर्स जिनके लिए डिस्प्ले बहुत ज्यादा मैटर करता है, उनको फोन थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा। 90Hz के साथ काम चल जाएगा, आप कंप्लेन नहीं करोगे, लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, एलसीडी डिस्प्ले है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, और साथ में ये नॉच। फोन में नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करो, अगर आप नाजो 55G का बेस वेरिएंट खरीदते हो 4GB 64GB, तो याद रखना 2 SIM कार्ड आप नहीं लगा सकते। अगर आपने 2 SIM कार्ड लगाया तो माइक्रो एसडी कार्ड आप यूज नहीं कर सकते। मेरा जो डिवाइस है वो 6GB रैम वेरिएंट है, और इसके साथ अप टू 5GB तक मैं वर्चुअल रैम ऐड कर सकता हूँ, यानी 6+5। लेकिन मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस जो था ना मेरा, अगेन पुअर था 11GB रैम के साथ भी। नाजो 55G 6GB 128GB मैंने 18,000 रुपये पे करके खरीदा, और रियलमी 9 5G एसी 20,000 रुपये पे करके। अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो रियलमी 9 5G एसी मच वैल्यू ऐड करता है। रियलमी 9 5G एसी में आप 4K वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, HD अल्ट्रा एंड HDR अल्ट्रा सेटिंग्स पे आपको बेटर गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा BGMI में। नाजो 50 में HD अल्ट्रा पे भी गेम लैग करता है, एंड बेटर कैमरा सेटअप भी ऑफर करता है रियलमी 9 5G एसी। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बता दूं, आप इस डिवाइस से ओनली 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन पोको M4 प्रो 5G में 1080p 30 और 60fps। ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन था, बाकी कुछ और टेस्ट करने के बाद एक हफ्ते बाद मैं फिर से, अगर आप चाहो तो इसका फुल डिटेल रिव्यू कर सकता हूँ, जरूर बताना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।